Good morning, students. As you can see on your screen, that today we will start our next chapter, the supplementary reader snapshot. Third chapter is Ranga's marriage, a very interesting story. तो इसमें author ने जो है अपना उसका एक friend था जिसका नाम था रंगा, तो उसकी marriage के बारे में जो है ये लेसन जो है वो लिखा है. तो लेसन की स्टार्टिंग जो है इंट्रोड जो है वो उन्होंने कुछ अपने विलेज के बारे में जो है विलेज की क्या उनकी खासियत है, क्या वहाँ का फेमस है, कैसे उन्होंने जो है बड़े इंटरेस्टिंग वे में अपने विलेज का इंट्रो जो है वो दिया है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स चैप्टर. द लेसन नेम इज रंगाज मैरिज एंड हियर वी गो. रंगा द अकाउंटेंट सन is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो अकाउंटेंट का बेटा था तो कहते कि रेयर ब्रीड, मतलब कि हमारे गांव में जो है उस टाइम जिस टाइम की ये स्टोरी उन्होंने लिखी है तो उस टाइम कहते कि हमारे गांव में सिटी में पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता था. तो रंगा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू द सिटी टू परस्यू हिज हायर स्टडीज, ठीक है ना. तो रंगा सबसे पहले सिटी में पढ़ने के लिए गया. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड्स विल मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. तो जब वो पढ़ने के बाद वापस आया अपने गांव बेंगलोर से पढ़ के जब वापस आया तो लोग जो थे उसके घर में भीड़ जमा हो गई ये देखने के लिए कि सिटी में पढ़ने के बाद वो बदला है या नहीं. His ideas about marriage are now quite different. और are they? तो उसके marriage के बारे में कुछ जो है बात जो इनकी thinking थी उसके जो ideas थे वो change हुए. क्या सच में वो change हुए? So let's find out in this chapter. So here we go. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? तो कहते हैं जब आप जो है ये चैप्टर का नाम देखोगे पढ़ोगे तो आपके मन में आएगा क्या ये लेसन का नेम रखा है रंगा मैरिज. व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया. तो मैरिज इंग्लिश का वर्ड है तो कहते हैं रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा मैंने या रंगनाथा विजया क्यों नहीं रखा. वेल येस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. तो कहते हैं कि यूं के मुंह पर यही नाम आएगा कि जगन्नाथ की विजय या गिरिजा की शादी, ऐसा नाम क्यों नहीं मैंने रखा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. तो कहते कोई गिरिजा की शादी नहीं हो रही है इसमें ना कोई जगन्नाथ की कोई जीत है. इट्स अबाउट आर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. तो ये हमारे रंगा की शादी की कहानी है, कोई फैंसी टाइटल नहीं है, ये रियलिटी में मेरी रंगा की शादी की कहानी है. होसाहली इज आर विलेज. तो ऑथर के घर विलेज का नाम जो था होसाहली था. यू जस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने सुना भी हो. नो तो कहते नहीं सुना. व्हाट अ पिटी बट इट इज नॉट योर फॉल्ट. कहते कैसी बात है, कैसी विडंबना है ये. कहते तुम्हारी गलती नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. कहते जियोग्राफी में कहीं भी हमारे गाँव का नाम जो है वो है ही नहीं. दो साहिब्स इन इंग्लैंड writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it. तो कहते वो साहिब लोग मतलब वो writers जो इंग्लैंड में बैठे हैं इंग्लिश में लिखते हैं उनको तो हमारे इस जगह की एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं होगा. एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट. तो अपनी स्टोरीज में अपनी बुक्स में इस गाँव के बारे में कोई लिखता भी नहीं है. नाउ आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. कहते हमारे खुद के लोग इसके जगह के बारे में भूल गए हैं. यू नो हाउ इट इज़. कहते पता है तुम्हें कैसे है ये. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक ऑफ शीप मतलब के शीप के झुंड के जैसे, भेड़ों के झुंड के जैसे हैं वो. वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो आपको जैसे पता ही है कि अगर एक शीप गड्ढे में गिरती है तो उसके पीछे ये बाकी भेड़ें रुकती नहीं है, वो भी जो है वो जाके गड्ढे में उनकी उसके पीछे ही गिर जाती हैं. तो इनका मतलब यही है कि जो इंग्लिश राइटर्स लिखते हैं हमारे खुद के लोग जो हैं उन्हीं के जैसे जो है वो लिखना पसंद करते हैं. व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप कैन यू.
तो कहते हैं कि जब साहिब लोग जो हैं वो इंग्लैंड के राइटर्स जो और हमारे खुद के ज्योग्राफर्स जो हैं वो उन्होंने खुद जो है इनको अपने कहानियों में इन जगहों को जो है मेंशन नहीं किया कहीं भी, तो हम कार्टोग्राफर को कैसे बेचारे को बोल सकते हैं कि उसकी गलती है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप। और इस कारण कहते हैं कहीं भी मैप में हमारे विलेज का कोई नामो निशान नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी मांगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर पहुँच गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, वट द स्वीट कारीगरबू इज टू अ फेस्टिव मील। तो कहते जैसे मैसूर जो है वो भारत की एक स्टेट है, तो ऐसे कारीगरबू जो है वो एक किसके साथ रिलेट करता है, फेस्टिव मील के मिठाई है जो कि फेस्टिवल्स में खाई जाती है। देन होसाल इज टू मैसूर स्टेट बट द फीलिंग इज टू द करीगड़बू। तो उसी तरह कहते जैसे कि एक करीगड़बू की फीलिंग के बिना करीगड़बू जो है वो अधूरा है, मतलब उसकी स्टफिंग जो उसके बीच में मिठाई भरते हैं ना, तो उसके बिना ये करीगड़बू अधूरा है। तो ऐसे ही मैसूर जो है होसाहली गाँव के बिना अधूरा है। What I have said is absolutely true, believe me. कहते जो मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, मेरा यकीन मानो। I will not object to your questioning it, but I'll stick to my opinion. तो कहते मैं जो है इनकी तुम आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चन, कि अगर आप कोई इसके अगेंस्ट क्वेश्चन भी करोगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट मैं अपने ओपिनियन पर अपनी सोच पर वैसे का वैसा ही बना रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली। कहते मैं कोई अकेला नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में इतना खुश होकर बोलता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। तो कहते हमारा एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा भट्टा। He agrees with me, कहते वो भी मेरी बात को मानता है। He has been quite a few places, कुछ जगह पर वो घूमा हुआ है। No, not England, कहते इंग्लैंड तो नहीं गया वो। If anyone asks him whether he has been there, he says, no Anna, I have left that to you. तो कहते अगर कोई उसके बारे में पूछता है कि आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो सिंपल यही कहते हैं, no Anna, Anna means, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना भाई साहब भैया, तो साउथ इंडिया की ये स्टोरी है, तो अन्ना जो है इनके भाई भाई को कह देते हैं। तो कहते हैं नो अन्ना, मैं नहीं गया कहीं वहाँ पर, वो तो बस जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माय टाइम दो। तो कहते का एक आवारा कुत्ते की तरह जो है वो मेरी घूमने की आदत नहीं है, मैंने कुछ ही जगह अपनी लाइफ में देखी हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। अगर हम सच कहें तो उन्होंने काफ़ी दुनिया जो है वो देखी है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज। कहते हैं कई सारे मैंगो ट्रीज हैं हमारे गांव में। कम विजिटर्स एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। कहते आओ हमारे गांव और मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, कहते खाना मत उसको। जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेना। द सॉनस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्म धारा। तो कहते वो जो है वो आपके मतलब ब्रह्म धारा मतलब कि उसकी खट्टास इतनी ज़्यादा है कि आप जो है कि हम बोल सकते हैं कि आपको परमानंद आएगा, मतलब कि उसके खट्टास से जो है वो खट्टापन जो है वो आपको जो है एक अलग ही जो है वो टेस्ट देगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड ऑफ इट। तो ऐसे कहते एक मैं फ्रूट वो ले गया था, कच्चा आम ले गया था, हमने चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of that fruit. तो कहते हैं कि फिर वो जो हमने सभी ने खाई, इतनी ज़्यादा खांसी हुई हमें कि मैं डॉक्टर के पास उसकी खांसी की मेडिसिन जो है कफ मेडिसिन लेने के लिए गया, तब मुझे डॉक्टर ने इसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरी थिंग एल्स अराउंड आर विलेज। तो कहते जैसे मैंगो स्पेशल है ना, वैसे हर चीज़ हमारे गाँव में स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पोंड। क्रीपर मतलब बेल जो होती है नीचे नीचे चलती है, तो इसी के बारे में बोल रहा है ये कि एक क्रीपर है जो हमारे पोंड विलेज का जो पोंड है उसके पास जो है वो लगती है। इट्स फ्लावर्स आर फीस टू बी होल्ड। कहते एक पार्टी की तरह, मतलब कि उसके फ्लावर्स जो है वो यूज़ करते हैं खाने में। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पोंड फॉर योर बाथ एंड यू विल हैव
you will not have to worry about the not having leaves on which to serve the afternoon meal. तो वो कहते हैं कि जैसे साउथ इंडिया में आप देखोगे मूवीज़ वगैरह में या कोई क्लिपिंग्स में आपने देखा होगा, वो पत्तों के ऊपर, केले के पत्तों के ऊपर खाते हैं. तो कहते हैं कि इसके पत्ते जो है, अगर आप नहाने के लिए सुबह जाओगे ना, तो फिर आप पॉन्ड से वो पत्ते स्क्रेपर के तोड़ के ले आओगे, तो आपको खाने की चिंता नहीं होगी कि आपको दोपहर का खाना जो है वो किस पर खाओगे. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आर विलेज कम्स अप. तो कहते आप सोच रहे होंगे मैं वैसे ही गप्पे हाँक रहा हूँ, तो कहते जब भी मेरे गांव की बात आती है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ. बट एनफ, कहते बहुत हुआ. इफ़ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, आई लेट यू नो वेयर होसाहली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर. तो कहते कि अगर आप कभी हमारे गाँव आना चाहो तो फिर आप जो है एक लेटर जो है वो मुझे लिख सकते हैं, और फिर जो है मैं आपको अपने गांव घुमाऊंगा. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? तो बिल्कुल एग्री करते हैं हम कि अगर किसी जगह पर जो है हमने जानना है ना किसी जगह के बारे में, पढ़ के नहीं वो मज़ा आएगा, अगर आप खुद वहाँ पर जाओगे घूमोगे तो तब आपको उस जगह के बारे में पता चलेगा. सो What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. तो कहते हैं अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, 10 साल पहले हुआ था. We didn't have many people who knew English then. तो कहते हैं हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश आती थी उस टाइम. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore. This word missing है ना? टू स्टडी. तो वो कहते कि हमारा विलेज अकाउंटेंट था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने अपने बेटे को सिटी में भेजने का साहस दिखाया, बेंगलोर में स्टडी करने का. सो इट इज़ नाउ डिफरेंट नाउ, कहते अब तो चलो जाते ही हैं, अब ये अलग बात है. देर आर मैनी हु स्पीक हु नो इंग्लिश, कहते अब तो बहुत लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं यहाँ पर. ड्यूरिंग द होलीडेज यू कैन कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. तो कहते अब जब हॉलीडेज का टाइम होता है ना, तो कहते हर गली में आपको जो है कई लोग मिल जाएंगे इंग्लिश बोलते हुए. दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग. तो कहते उन दिनों में हम इंग्लिश बोलते भी नहीं थे, और हम जो है इंग्लिश के वर्ड्स जो है बोलते हुए, कन्नड़ बोलते हुए हम अपनी लैंग्वेज में उन वर्ड्स को यूज़ भी नहीं करते. जैसे आप देखो कि मैं अब हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं मैं इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो हमारी अब डेली लाइफ बन चुकी है. तो उन दिनों में कहते हैं हम सिर्फ टोटली कन्नड़ बोलते थे, ना कि हम इंग्लिश के वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते थे. वट हैड हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी. तो कहते जो हुआ बहुत ही अचंभित था, मेरी बात मानो. द अदर डे आई वॉज इन रामा राव्स हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. तो कहते कि मैं जो था उन दिनों, उस दिन रामा राव के घर में था. रामा राव मतलब विलेज अकाउंटेंट ना. तो कहते कि रामा राव, सॉरी इसका दोस्त था ऑथर का, रामा राव उसके घर में था. तो जब जो है यहाँ पर जो है फायरवुड का बंडल जो है, मतलब लकड़ी जो थी जलाने वाली, उन्होंने खरीदी. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा जो है वो पैसे जो है वो देने के लिए आया. ही आस्क्ड द वुमेन, तो उसने वुमेन को पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू, कहते कितने पैसे दूँ मैं आपको. फोर पाइस, शी सेड, फोर चार पैसे दे दो. द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज, ये वर्ड है चेंज, एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. चेंज वर्ड को इन्वर्टेड कोमा में रखा है. हम कहते हैं ना छुट्टे नहीं है, आजकल छुट्टे नहीं कोई बोलता ना, हम यही बोलते हैं कि चेंज नहीं है मेरे पास. तो उसने भी कन्नड़ में बोला, लेकिन कन्नड़ में बोलते बोलते उसने चेंज बोल दिया कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो कल आना. द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. तो वो बेचारी लेडी जो थी उसको समझ में नहीं आया इंग्लिश का वर्ड चेंज क्या था, तो वो बुड़बुड़ाती हुई जो है वो चली गई. आई टू डिडंट नो, कहते मुझे तो खुद पता नहीं था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट आई इट मेंट. तो जब बाद में मैं रंगा के पास गया, तब रंगा से मैंने इसका मीनिंग पूछा.
This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो कहते हैं ये priceless commodity, priceless commodity मतलब कि जिसको उस time लोग जो थे afford नहीं कर सकते थे, मतलब कि बहुत महंगी आप सब बोल सकते हो, क्योंकि उस time English इतनी ज़्यादा 10 साल पहले उनके गाँव में ज़्यादा spread नहीं थी. That was why Ranga's homecoming was a great event. तो इस कारण क्या हुआ, वो बात पूरे गांव में फैल गई. तो फिर वो रंगा का जो घर में वापस आना था, बहुत ही बड़ा इवेंट जो था वो माना गया. People rushed to his doorstep announcing, the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look. तो फिर लोग फटाफट उसके घर पर जाने लगे, बोलते हुए वो अकाउंटेंट का बेटा आ गया जी. वो बेंगलोर लड़का जो पढ़ने गया था ना, वो ऐसा लगता है वो आ गया, रंगा आ गया है, चलो देखें उसको, एक झलक देख कर आए. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क. तो लोगों की भीड़ उसके घर के सामने थी, तो फिर मैंने भी जो है मैं भी इनकी देखा, उसके आंगन में इतने सारे लोग थे, तो मैं भी मुझे भी क्यूरियसनेस हुई, तो मैं भी जो है क्यूरियोसिटी से उसके घर में गया. किसी से भी ने पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. तो कहते लोग सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर तो कोई मदारी का मंकी का शो नहीं चल रहा है. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर. तो कहते एक लड़का जिसका दिमाग ही नहीं था, इतना ऊंचा बोला कि सभी को सुना, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. तो कहते अगर मदारी, उसने पूछा ना कि मदारी तो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा, कि लोग कहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं. तो कहते वो बेवकूफ सा लड़का कहता, फिर अगर तुम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. कहते एक जवान लड़का इमेच्योर था, उसे कोई मैनर्स ही नहीं थी. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. तो कहते ये सारी बातें पुरानी हो चुकी थी, मैं बिल्कुल चुप रहा. सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. तो कई सारे लोग अपने घर के आगे देखकर रंगा जो है बाहर आया, उसका फेस स्माइलिंग था. हैड वी ऑल गोन इनसाइड द प्लेस वुड बी टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल इन ऑफ कलकत्ता. तो कहते कि अगर सब हम उसके घर के अंदर चले जाते, तो वो उसका घर जो था वो ऐसा बन जाता कि जो कलकत्ता में जो है एक जगह को जो है वो ब्लैक होल कहा जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. तो कहते ये उसका घर भी जो था वो ब्लैक होल बन जाता. थैंक गॉड इट डिडंट. तो कहते शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज. तो हर कोई जो था वो हैरान हो रहा था कि रंगा एज इट इज़ वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले वो जब पहली बार गांव छोड़कर गया था. एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट लुकड इन टू हिज आइज एंड सेड द जनेवरा इज स्टिल देयर. तो एक लेडी बूढ़ी सी बेचारी उसके पास जाती है, उसकी पूरी छाती पर जो है, चेस्ट पर जो है वो हाथ घुमाती है, उसकी आंखों में आँखें डालकर देखती है और फिर कहती है, उसने जनेवरा मतलब जनेऊ डालते हैं ना, तो कहते जनेऊ उसने अभी डाला हुआ है. ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट. इसका मतलब इसने अपना धर्म जो है अपनी जाति नहीं, ब्राह्मण लोगों को आपने देखा ही होगा ना जनेऊ डालते हैं, तो मतलब कि ब्राह्मण था वो, तो उसने कहते जनेऊ डाला था, मतलब कि वो अपने उसके धर्म के विरुद्ध या अपनी जात के अगेंस्ट जो है उसने कोई काम नहीं किया है अभी तक. She went away soon after that. Ranga laughed. फिर वो चली जाती है और रंगा हंसता है. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. तो जैसे ही लोगों ने फिर को एहसास होता है कि रंगा जो है वैसे का वैसा ही है, उसकी आंखें भी ऐसी हैं, हाथ पैर नो और सब कुछ वैसे का वैसा ही है, तो धीरे धीरे क्राउड जो थी वो चलती है ऐसे जैसे कि बच्चे के मुंह में एक शुगर का दाना जो है वो मेल्ट होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, ऐसी भीड़ भी खत्म हो गई. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर. तो मैं वहीं पर ही खड़ा रहा. आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा. तो जब हर कोई चला गया तो मैंने पूछा, रंगप्पा कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ.
इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी. तो कहते तब रंगा ने मुझे नोटिस किया. ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स. तो कहते फिर वो मेरे पास आया और फिर उसने मुझे नमस्कार किया और फिर कहा आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर. तो रंगा के इस करेक्टर का जो है मैं आपको जो है ध्यान बताना चाहता हूँ, उसकी तरफ ध्यान लेकर जाता हूँ. ही न्यू वन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. तो वो जानता था कि कैसे जो है इसका फ़ायदा जो है बात करने में उठाया जा सकता है. लोगों का जो ध्यान है उसको, लोगों की जो हमारे बारे में सोच है उसके बारे में हम कैसे सही उतर सकते हैं. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as it is was it was either a band or a walking stick. तो कहते अगर उसके नमस्कार की बात करूँ तो आजकल के जो लड़के हैं उनकी तरह नहीं. आजकल लड़के कैसे करते हैं, आप लोग भी जब बॉयज़ लोग जो हैं वो पैर छूते हैं तो क्या करते हैं कि उनका सिर जो है वो ऊपर सूरज की तरफ रहता है और बिल्कुल सीधे एक डंडे की तरह खड़े रहते हैं, जॉइंट्स को बिना घुमाए हुए, और फिर बॉडी को जो है एकदम से बिल्कुल झटका देते हैं जैसे कि एक लकड़ी को देते हैं या वॉकिंग स्टिक होती है ना, ऐसे डंडा सा होता है, छड़ी जो होती है. तो कैसे ऐसे बिल्कुल इनकी स्टिफ सी बॉडी के साथ आप जो है पाँव छूते हो, वो पाँव भी नहीं बोल सकते, सिर्फ घुटने ही छूते हो और ऐसे ज़ोर से हाथ मारते हो, है ना. तो ऐसे ही कहते कि आजकल के लड़के करते हैं, लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया. नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही कहते सिर्फ हाथ जोड़कर उसने नमस्ते किया. ही बेंट लो टू टच हिज फीट टच माई फीट. तो कहते वो बिल्कुल झुका और उसने मेरे पैर जो थे वो बिल्कुल छुए, पैरों को छुआ. मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग सिंह. तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट. फिर कुछ अच्छी बातें जो है हमने शेयर की और फिर जो है मैं निकल गया. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. सो दैट आफ्टरनून उस रात को सॉरी उस दोपहर को जब मैं रेस्ट कर रहा था तो रंगा जो है वो मेरे घर पर आता है कुछ ऑरेंजेस लेकर. अ जेनरस कंसिडरेट फेलो. कहते बड़ा ही अच्छा जो था वो पर्सन है वो. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट. तो कहते अगर उसकी शादी मैं करवा दूँ तो सेटल करवा दूँ तो ये सोसाइटी की सर्विस होगी, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लड़का है वो. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट देन आई केम टू द पॉइंट. तो इधर उधर की बातों के बाद कहते फिर मैं मेन पॉइंट पर आया. रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड. तो कहते रंगप्पा फिर तुम्हारी शादी करने का कब का प्लान है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड. कहते मैं अभी शादी नहीं करूँगा. Why not? कहते क्यों नहीं करोगे. I need to find the right girl. तो कहते मुझे तो सही लड़की की अभी ढूंढने की ज़रूरत है. I know an officer who got married only 6 months ago. कहते अभी 6 महीने पहले ही एक ऑफिसर मैं जानता हूँ जिसकी शादी हुई है. He is about 30 and his wife is 25, I'm told. तो कहते मुझे बताया कि उसकी वाइफ जो है वो 25 की और खुद वो 35 साल का है, 30 का है. सो दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. तो वो इतने एडल्ट हो चुके हैं, इतने मेच्योर हो चुके हैं कि वो प्यार से एक दूसरे के साथ बात करेंगे. लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. तो कहते हैं मानो कि एक बहुत ही छोटी लड़की से मेरी शादी हो जाती है. शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर. तो कहते हैं वो मैं अगर कुछ उसको प्यार से बोलूँगा तो क्या पता वो मेरी बात को समझे ना, वो उसको गुस्से में मान ले. रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला. तो कहते अभी एक ट्रूप ने ग्रुप ने जो है बेंगलोर में शकुंतला का एक नाटक जो है वो स्टेज पर किया. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट ए ब्राइड्स इज.
तो उस टाइम चाइल्ड मैरिज की जब ये स्टोरी लिखी गई होगी तो चाइल्ड मैरिज का ट्रेंड रहा होगा उस टाइम, कि मतलब छोटी सी लड़की की शादी जो है वो कर देते होंगे अबाउट 4-15 के अराउंड मे बी। तो फिर कहते कि अगर उसमें बताया गया शकुंतला और दुष्यंत की शादी के बारे में, वो स्टोरी है शकुंतला जो एक बहुत ही अच्छा नोवेल है उसकी, ठीक है, तो कहते हैं अगर शकुंतला उस टाइम बहुत छोटी होती जैसे कि आज की हमारी ब्राइड्स होती हैं एज वाइज, तो कहते हैं कि दुष्यंत फिर उससे प्यार करता ही नहीं और दोनों की शादी होती ही नहीं। सो व्हाट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदास प्ले, तो अगर कहते ऐसा हो जाता तो फिर कालिदास अपनी कहानी में क्या लिखता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, कहते अगर किसी को शादी करनी है तो एक मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, तो इससे अच्छा है दूसरे बंदे को अगर ऐसी लड़की ना मिले तो उसको कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, कहते इसलिए अभी मैं शादी नहीं कर रहा। इज देयर एनी रीज अदर रीज़न, कहते कोई और कारण है इसमें। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कहते एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, कहते आजकल हमारे क्या होता है अरेंज मैरिजेस होती हैं। नाउ वन कैन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। कहते कि आजकल जो है हाउ जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो कहते कि अरेंज मैरिज में अगर एक लड़की छोटी है जिसको अभी अच्छे से जो है मिल्क स्टेन मतलब कि अभी अपने आप को वो जो है संभाल भी नहीं पाती है, और कहते कि और या फिर वो इतनी छोटी होती है उसको समझ में ही नहीं आता कि हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, मीन्स कैसे शर्माया जाता है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोर्ड, फिर ऑथर कहता है कि ये बोल लो अगर एक नीम है तो दूसरा जो है करेला है। एग्जैक्टली रंगा रंगा सेड लाफिंग, तो हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द बॉय हु आई थॉट अब वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, कहता तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जिसको मैं सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हस्बैंड बनेगा लड़का, वो जो है अभी बैचलर रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, थोड़ी बहुत चैटिंग के बाद रंगा जो है वो चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कहते तभी मैंने जो है अपना मन बना लिया था कि मैं तो इसकी शादी करवा कर ही रहूँगा। रंगा राव्स नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, सॉरी रामा राव्स नीस के रामा राव की जो भतीजी थी बहुत ही इनकी सुंदर लड़की थी 11 साल की, हैड कम टू स्टे विद हिम, और अपने चाचा के पास रहने के लिए वो आ गई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, तो बड़े टाउन से थी वो तो उसको पता था कि कैसे वीणा और हारमोनियम बजाते हैं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और कहते उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, तो उसके पेरेंट्स दोनों मर चुके थे तो इसलिए उसके अंकल जो हैं उसको घर अपने पास ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर शी एंड शी वॉज शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, तो रंगा उस लड़की के लिए बिल्कुल सही था और ये लड़की उस रंगा के लिए बिल्कुल सही दुल्हन थी। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो मैं रामा राव के घर आता जाता रहता था तो रामा राव की वो इस आता जाता रहता था तो इस कारण वो लड़की मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक थी। आई कम्प्लीटली फॉर गॉट टू मैंशन हर नेम, कहते मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया, रत्ना इट वॉज, उसका नाम था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव्स वाइफ आई विल सेंड सम वाटर मिल्क फॉर यू आस्क रत्ना टू फैच इट, तो उस दिन कहते कि मैं फिर सुबह गया उसके घर रामा राव के घर, उसकी वाइफ को बोला कि मैं दोपहर को आपके वो बटर मिल्क लस्सी भेजूँगा तो रत्ना को बोलना कि पकड़ ले, ठीक है। तो अभी तक जो है आज इतना ही, इतना अच्छे से करना आगे से आगे और इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी जो है वो बनती जाएगी, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड, बाय।